अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। तो काफ़ी लोगों को मुस्लिम भाई के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं कि उनका कत्ल किस तरीके से हुआ, बेरहमी के साथ उन्हें मारा गया। तो शाहिद अफरीदी एक जगह पे अपना इंटरव्यू दे रहे थे, ये भावलपुर यूनिवर्सिटी का या उधर का कोई वाक्य है, सॉरी उधर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो उन्होंने किसी ने उधर से बोला कि सर ये एक वाक्य, लेकिन इस बारे में सोशल मीडिया पर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। तो उन्होंने कहा हाँ ये वाक्य मैंने देखा था, इस बारे में मैंने काफ़ी पोस्टें देखी, लोगों से भी सुना। तो कहता कि मुझे समझ नहीं आती कब तक हम इन नाअहल और जाहिल हुक्मरानों के हाथों ऐसे मरते रहेंगे। जब से पाकिस्तान आज़ाद हो उसके बाद से लेके अब तक आज तक किसी को इंसाफ़ नहीं मिला। कभी कोई किसी को कहीं मार देता है, जिसका दिल करता है वो स्ट्रीट में मार देता है, घर आके मार देता है, जैसे कि मिशाल खान के साथ हुआ। एक और अहमद नाम का लड़का था, उसे मार दिया, वो अपनी बहन को चाहते उसकी जान चली गई। और अभी जो वकीलों वाला वाक़या हुआ, उन्होंने तकरीबन 10 से 12 लोग मर गए। तो कोई नोटिस लेने वाला नहीं, बस क्या कहते हैं जी हम इंक्वायरी करेंगे, हमने नोटिस ले ली है। ये कब तक हम नोटिस पे नोटिस का ड्रामा देखते रहें? अगर पाकिस्तान को आप वाकई कामयाब देखना चाहते हैं, वाकई पाकिस्तान को एक इस्लामी मुल्क बनाना है, तो सबसे पहले इंसाफ कायम करें। अगर इंसाफ कायम होगा तो ही पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। ये नहीं कि बस नाम के साथ इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान लिख लें और काम इस्लामी कोई भी ना हो, और कानून हमारे जंगल का कानून हो कि अमीर जो है उसकी जो मन करे, जो दिल करे वो वही करता रहे, गरीब तो ऐसे इधर मर जाते हैं जैसे वो किसी काम के ना। मॉडल टाउन में कत्ल होने वाले में जो लोग कत्ल हुए, साहिवाल में कत्ल हुए। तो उन्होंने कहा ये वाकई देख के मुझे खुद बहुत अफसोस होता है, और अगर मेरे बस में होता तो ऐसे लोगों को मैं बीच चौराहे फांसी पे लटका देता, और इन लोगों को देख के दूसरे लोग भी सबक हासिल करते कि किसी के फैमिली को दुख देना, किसी माँ के बेटे को से जुदा करना, ये कितना गलत होता है। कहते वो उन्होंने ये भी बताया कि मेरी बीवी यानी कि नहीं है, तो मुझे बहुत दुख होता उसके बारे में भी। तो मैं समझ सकता हूँ कि एक माँ का क्या दुख होगा कि उसका जवान बेटा मर गया, बगैर किसी रीज़न के उसके कत्ल कर दिया गया। तो मेरे उन्होंने ये भी कहा कि मेरे आला हुकाम से गुजारिश है वो इस चीज़ का नोटिस लें और पाकिस्तान को एक वाकई इस्लामिक मुल्क बनाएं और मुस्लिम के कातलों को उनके अंजाम तक पहुँचाएँ।